एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं मान लो एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, घूमे जा रही है, तो उसके पार्टिकल गोल 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 घूम रहे हैं सर्कल में, तो ये पार्टिकल R1 सर्कल में घूम रहा है या R2 में घूम रहा है और पूरी बॉडी घूम रही है विद ओमेगा, तो इसकी कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी V1, क्या होगी? R1 इंटू ओमेगा। इसकी क्या होगी? R2 इंटू ओमेगा। तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ M1 V1 स्क्वायर, सेकेंड की हाफ M2 V2 स्क्वायर, अप टू MN VN स्क्वायर। तो इसमें V1 क्या होगा? R1 ओमेगा। V2 क्या होगा? R2 ओमेगा। VN क्या होगा? RN ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी पुट कर दी बॉडी, क्योंकि सर्कल में घूम रही है, तो यहां से स्क्वेयरिंग करके कॉमन निकाल लो, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, MN RN स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर।